और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो वहां पहुंचे, इससे पहले देहरादून लैंड किया और फिर मंदिर पहुंचे हैं। लेकिन अब यहां से आगे बहुत अहम कार्यक्रम है, पहले मंदिर में रुद्राभिषेक वो करेंगे। ये पूजा करीब 20 से 30 मिनट चलेगी, आधे घंटे के करीब ये पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ योजनाओं का भी उन्हें शिलान्यास करना है, जीर्णोद्धार के जो काम थे केदार घाटी में। क्योंकि याद होगा आपको 2013 में एक आपदा केदार घाटी में आई थी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत नुकसान हुआ था और ऐसी कई योजनाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री को शिलान्यास करना है। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंजीत नेगी वहां पर मौजूद है। मंजीत, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कौन कौन उनके साथ है और मंदिर में आज पूजा भी होनी है, आधे घंटे का ये कार्यक्रम भी होगा मंदिर में, क्या डिटेल्स और है इस पर? देखिए मीनाक्षी, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का जो B-17 हेलीकॉप्टर है वो केदारनाथ के पीछे, मंदिर के पीछे जो हेलीपैड है वहां पर उतरा है और अब वहां से हेलीपैड से उतरने के बाद उनको जो स्थानीय नेता है बीजेपी के और यहां पर जो अधिकारी हैं उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। उनके साथ देहरादून से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत साथ में आए हैं, जबकि कई जो मंत्री पहले से केदारनाथ में मौजूद हैं वो इस वक्त खड़े हैं और उनको प्रधानमंत्री से मिलवाने का यहाँ पर कार्यक्रम है। सभी लोग इस वक्त लाइन में खड़े हैं और इसके साथ ही मंदिर के अंदर जो रावल है, भीमाशंकर लिंग, वो पूजा की तैयारी उन्होंने शुरू की है, वो अभी मंदिर पहुंचे हैं। उसके उनके साथ जो बाकी मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं, पूजा की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री को हेलीपैड से रिसीव करने के बाद सीधा मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा जहां पर करीब 20 मिनट के आसपास वो रुद्राभिषेक करेंगे। और ये दूसरा मौका है जब केदारनाथ के कपाट खुलने और अब कपाट बंद होने के मौके पर, जबकि दीपावली के अगले दिन भैया दूज के अगले दिन सुबह कल कपाट बंद होंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। तो एक तरह से ये उनकी शिवभक्ति को तो दिखाता है, साथ ही केदारनाथ 2013 जून 2013 में जो आपदा आई थी और पूरी केदार घाटी तहस नहस हो गई थी, उसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण का काम है वो अब एक तरह से अंतिम चरण में है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री अगले एक साल में पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने खासतौर से राज्य सरकार को ये निर्देश। मंजीत, एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि दो बातें हैं, एक तो दीपावली का त्योहार था तो इस लिहाज से भी ये पूरा त्योहारों का ही हफ्ता है और क्योंकि केदारनाथ के कपाट भी कल बंद हो जाएंगे तो अमूमन ऐसे वक्त में उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती या अधिकारी पंडित वापस लौटने लगते हैं, लेकिन ये समय बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था, इसे देखते हुए खास तैयारियां वहां की गई थी, साज सज्जा से लेकर प्रसाद बांटने तक में छोटी छोटी बातें जो निकल के आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखी। अभी आप वहां कैसी छटा देख रहे हैं, कैसी रौनक देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल लोगों को काफी इंतजार है, जो लोग कल दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और कल देर शाम तक यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया गया और लोगों को सामान्य तौर पर लोग दीपावली के बाद सुबह की पूजा के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन लोग सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि सुबह की जो पूजा है वो आज स्थानीय लोग नहीं कर पाए, उनके लिए अब प्रधानमंत्री के बाद कार्यक्रम के बाद 11 बजे पूजा का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो लोग उस तरह से पूजा का भी इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी इंतजार है और पूरी केदार घाटी को, यानी कि जो केदार मंदिर तक पहुंचने का 50 मीटर का रास्ता है सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और उसके साथ ही हेलीपैड से लेकर मंदिर तक का रास्ता भी पूरी तरह से सजा हुआ है। प्रोटोकॉल को देखते हुए भी कई बदलाव अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो उसमें हो जाते हैं, ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले आपको बहुत खास हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी का भगवान शिव के साथ कैसा नाता है, कैसा कनेक्शन है ये दिखाती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बीते 3 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो वक्त रहा उसको अपने आप में बयां करती हैं, चाहे गुजरात की धरती सोमनाथ में दर्शन करने जाना हो या फिर जहां से वो केंद्र की राजनीति में आए वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाना हो या अपने अलग अलग दौरों में चाहे भुवनेश्वर पहुंचे और उसके बाद नेपाल भी गए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए केदारनाथ धाम की, अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, असीम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच बना हुआ केदारनाथ धाम और इसकी तस्वीर आप देखिए, दीपावली के मौके पर ये तस्वीरें आ रही हैं तो ये और खास हो जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां विशेष हलचल और तैयारियां पूरी, लोगों को भी इंतजार जो वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक ऐसा मौका जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे लेकिन भगवान शिव की पूजा अर्चना यहां पर उन्हें करनी है, रुद्राभिषेक करना है, आधे घंटे का ये समय होगा जब ये विशेष पूजा होगी, लेकिन ये तस्वीरें यकीनन जब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती हैं मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो ये तस्वीरें अपने आप में और खास हो जाती हैं, यानी वो तमाम लोग जो कभी भी जाने का सोचते हैं, दर्शन करने के लिए मन बना रहे होते हैं, ऐसी तस्वीरें और यकीनन अपनी तरफ उन्हें खींचती हैं। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, धर्माचार्य पंडित डीपी शास्त्री मौजूद हैं। शास्त्री जी, एक बात तो खास है, आज गोवर्धन पूजा है तो उसको देखते हुए क्या आज की पूजा और विशेष हो सकती है? देखिए, बहुत परम सौभाग्य है
क्योंकि गोवर्धन की राज ये इनकी कथा है कि ये द्रोणागिरी पर्वत के ही पुत्र हैं, और द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र होकर के जब एक ऋषि के आशीर्वाद से जाने के लिए तैयार हुए थे आकर के वृंदावन में, और मथुरा की जो भूमि है वही पा करके अपना स्थान ग्रहण किए। तो आज तो कृष्ण की भी पूजा और शिव की भी पूजा है। परमम सौभाग्यम सत्यम परम धीमहि, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है, और गुरु के नक्षत्र होने के कारण भगवान नारायण की भी इसमें पूजा होगी। तो जो भगवान का महाभिषेक होगा और जो हम लोग करेंगे, प्रधानमंत्री जिस धरती से संबंध रखते हैं वहां द्वारकाधीश भी हैं तो सोमनाथ भी हैं। देखिए इसकी भी बहुत बड़ी चीज आपको बताएं कि राजा दक्ष प्रजापति के दामाद हैं चंद्रमा। राजा दक्ष प्रजापति जब चंद्रमा को श्रापित कर दिए तो सोमनाथ में ही उनको जीवन दान मिला। तो सोमनाथ की महिमा है कि चंद्रमा को जो जीवन दान आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त हुआ तो उस भूमि के दौर महिमा है। बल्कि गोवर्धन के बारे में कुछ आपको बता दें कि आज के दिन जो व्यक्ति गिरिराज के पूजन करता है उसके जीवन में जो मनोकामना है या संकल्पित कोई चीज है उसे पूरा होता है, निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है, काया का सुख मिलता है, धन धान की वृद्धि होती है, कुल में वंश की उत्पत्ति होती है। देखिए गिरिराज की पूजन और शिव की पूजन और विष्णु की पूजन, सब पूजन एक ही पूजन है, करने के हम लोग विधि विधान अपने सिस्टम से शुरू से करते आ रहे हैं। जो ऋषि मुनि हमको बताए, जो वेद बताया, जो मंत्र बताया, जो शास्त्र का मत है, तो ये तो सौभाग्य है कि आज जगह जगह मंदिरों में भी भगवान का भंडारा, कड़ी चावल साग सब्जी नाना प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान गोवर्धन को हम समर्पित कर देते हैं, और भजन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। ते तो ये चीज है कि आज भगवान शिव भी स्थान पे वहाँ पूजा करके दूध के द्वारा दही के द्वारा किया। ईश्वर यहाँ अनेक लेकिन उनका जो एक रूप है वो एक है उसकी पूजा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कैसे शिव भक्त हैं इसकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि जिस गुजरात से वास्ता रखते हैं वहां सोमनाथ है, वाराणसी से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो बाबा विश्वनाथ का वहां धाम है, और पीएम बनने के बाद उस काठमांडू में यानी पड़ोसी देश नेपाल से एक नया रिश्ता सुधारने के लिए भी वो पहुंचे जहां पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है। शिव का हर धाम प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तरफ खींचता है, और ऐसी ही तस्वीरें आज केदारनाथ से भी मिल रही हैं, लेकिन शिव से जो नाता है उस पर ये रिपोर्ट देखिए। शिव की भक्ति ही जिसकी शक्ति हो उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिव का हर धाम मानो अपने लिए विश्वास का नया दरवाजा खोलता है। इसलिए जहां भी भगवान शिव की आस्था की चौखट है उस चौखट पर अपना सिर नवाने का कोई मौका हरगिज नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश की बागडोर संभालने के बाद नेपाल से दोस्ती का नया फलसफा लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब नेपाल पहुंचे तो उस यात्रा का एक अहम पड़ाव पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचा। 2014 में सावन के आखिरी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। भगवा कुर्ता, उस पर लाल अंगवस्त्रम, ललाट पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहने प्रधानमंत्री मानो पूरी तरह शिवमय हो गए थे। वहां उनको इतना आदर मिला कि उस जगह बिठाकर पूजा कराई गई जहां नेपाल के राजा बैठकर पूजा करते रहे हैं। नेपाल सरकार के दो दो मंत्री प्रधानमंत्री के स्वागत में डटे हुए थे। 150 पंडितों ने पूरी पूजा कराई, और तब शिव भक्ति में प्रधानमंत्री इतने लीन हुए थे कि 50 मिनट तक अपनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही। मैं मूलतः गुजरात का हूं, सोमनाथ की भूमि है, और सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। गुजरात के समुद्री किनारे पर सोमनाथ का भव्य मंदिर है। गुजरात की राजनीति से निकलकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में अपने कदम रखे तो इसके लिए उनकी पहली मंजिल बनी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। मोदी को उस गंगा मैया ने बुलाया जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से होकर वो इंसानों को उतारने के लिए इस धरती पर आई। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल मार्च में वाराणसी में थे तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे।
हम आईनी हां तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल हां।